वो बोल रहे हैं वो। हाँ समझ गए मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। दिलशाद मिर्ज़ा रज़ा इस वक्त ताजबाग में मौजूद हुआ है ना, वो 1:46:35 हो रहे है ना। अल्हम्दुलिल्लाह बताने की ज़रूरत नहीं है। तारीख तो है 10 मई 2023, दिन जो है वो है बुधवार का मगरिब। बाजू में आज के सब लग चुकी है ना, क्योंकि सरकार ताज लोलिया के बारगाह में गया था, क्योंकि दिलशाद मिर्ज़ा जिस वक्त जहाँ रहता है वो बताता है ना, क्योंकि दिलशाद मिर्ज़ा ने अपनी बीवी के मिर्ज़ा से कदम कहीं से पीछे लिया नहीं है, क्योंकि एक एक बात बताने की अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आदत है ना, क्योंकि सपूरा मिर्ज़ा के मैडम पूरा दिलशाद मिर्ज़ा काम कर रहा है, क्योंकि गलत का अंजाम तो अल्हम्दुलिल्लाह गलत ही होगा है ना, चाहे अपना हो या चाहे पराया क्यों ना हो। और खैर बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि कितने बजे पहुंचा हूँ है ना, बड़े गेट के पास जो है 4:40 पर पहुंच चुका था। इसके बाद में लगभग जो है नाश्ता वगैरह किया गुलगुला होटल में, इसके बाद में ताजबाग में जो है दरगाह के पास 5:05 पहुंच गया था। आशा की नमाज़ वगैरह पढ़ा, मगरिब की नमाज़ पढ़ा, पढ़ाई करते हुए बैठा था। अब इस वक्त जो है सलात व सलाम पेश किया सरकार ताज लोलिया की बारगाह में, और इस वक्त जो है अब सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन मीर सुरकर हमें तो जवान की बारगाह के लिए सिविल लाइन के लिए निकल रहा हूँ, क्योंकि गलत का अंजाम तो गलत ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कदम पीछे कहीं नहीं लग, गलत का अंजाम गलत ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।